अंशुमन कुमार। इन दिस वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ Realme का GT2 Pro, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। उसके कैमरा का सारा डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, फील्ड टेस्ट, रिव्यू, फोटो परफॉर्मेंस, वीडियो परफॉर्मेंस, इसका स्टेबलाइजेशन कैसा काम कर रहा है, नाइट में कैसा परफॉर्मेंस है, सारा कुछ इस वीडियो में आपसे मैं शेयर कर रहा। अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पे, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना सो दैट इट कैन रीच टू अदर्स ऑल्सो। बैक में हमें मिलता है 3 कैमरा का सेटअप। यहाँ पे एक मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है दैट इज़ ऑल्सो 50 मेगापिक्सल, और एक हमारे पास मैक्रो का कैमरा मिलता है दैट इज 3 मेगापिक्सल। फ्रंट में हमारे पास है एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो बैक का जो दोनों कैमरा है दिस इज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज्ड, बट फ्रंट का जो कैमरा है उसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। इसका मैक्रो कैमरा है, बेसिकली ये माइक्रोस्कोप कैमरा बोलते हैं। यू कैन गो वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट, इतना क्लोज कि लाइट पूरी ब्लॉक हो जाती है। इसका प्रोविजन है जैसे ही आप मैक्रो मोड पे ऑन करोगे द लाइट विल स्विच ऑन सो दैट जब आप पास जाओ तो उस लाइट से ही आपके सब्जेक्ट पे लाइट आती है, बाकी सराउंडिंग बिकॉज कैमरा इज सो क्लोज टू द सब्जेक्ट और कोई लाइट नहीं आ पाती है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बेसिक स्पेसिफिकेशन का एक शीट डाल दे रहा हूँ, आप उसको पॉज करके चेक कर सकते हो। आई हैव कवर्ड कि कौन कौन सा कैमरा है इसमें, इसका अपर्चर क्या है एंड इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की क्या कैपेबिलिटीज़ है। विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। ये डायरेक्टली डाउनलोड करा है फ़ोन से इमेज, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जो मेन कैमरा है बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल उसका है पिक्चर, और जो राइट साइड में है वो है हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल का 50 मेगापिक्सल का पिक्चर। सो अगर कंपेयर करोगे आप रेगुलर कैमरा और अल्ट्रा वाइड दोनों को, बिकॉज बोथ आर 50 मेगापिक्सल एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट दोनों के पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है, कलर का जो कंट्रास्ट है या फिर इवन द स्काई में जो ब्लू कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीन्स जो निकल के आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेन कैमरा है उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो रिचनेस इज लिटिल मोर कंपेयर टू द अल्ट्रा वाइड, तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वाइड एंगल से काफ़ी अच्छा इसमें डिटेल और जो सैचुरेशन है या फिर जो जो उसके शेडोज एरिया में डिटेल है वो सब बहुत अच्छा निकल के आ रहा है इवन विद द वाइड एंगल कैमरा। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जो हॉर्स पे डार्क शेड है, जो ब्लैक कलर है उसका रिचनेस काफी अच्छा है इवन इन द अल्ट्रा वाइड कैमरा, इवन इन द नाइट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट काफी सिमिलैरिटी है कलर्स में। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कलर्स हैं फ्रेम में, ब्लू है, देन मजेंटा है, ग्रीन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंपेरिजन देख सकते हो, जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ाता है और ब्राइट बनाता है इमेज को व्हेन यू आर शूटिंग इन डार्क। अल्ट्रा वाइड कैमरा में जो इमेज हमें निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा रहा है वो, और जो रेड है वो आप देख सकते हो उसको सैचुरेट करके थोड़ा सा और उसको ब्राइटनेस उसमें ऐड कर रहा है जो सॉफ्टवेयर है वो, उसको थोड़ा और वाइब्रेंट बना रहा है, तो वो फर्क दिख रहा है हमें यहाँ पे। इस पिक्चर में आप देखोगे यहाँ पे सन के अगेंस्ट में शूट कर रहा है, लीव्स पे भी डिटेल है, फ्लावर पे भी डिटेल है, और जो सनराइज है वो भी हमें दिख रहा है। सो काफी अच्छा डायनेमिक रेंज निकल के आ रहा है हमारे पास इस कैमरा से। सो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्फी स्टिक के साथ बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के फ्रंट कैमरा से, और एक एक्सटर्नल माइक अटैच करा हुआ है मैंने। मैं आपको बिना माइक के भी रिकॉर्डिंग जो एक्चुअल फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी अभी बताऊंगा, आई विल शेयर विथ यू। बट राइट नाउ आप देखो बिना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, मैं हैंड हेल्ड शूट कर रहा हूँ, और अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑन के साथ में वी कैन सी कंपेयर दोनों में कितना फ़र्क है। गुड पार्ट इज़ दैट फ्रंट कैमरा में भी आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन वगैरह है, आप स्लाइड से लॉक कर सकते हो, ऑटो फोकस को भी लॉक कर सकते हो, और जो एक्सपोजर है उसको भी लॉक कर सकते हो। विल वॉक दिस साइड बिकॉज थोड़ा सा सन है, ओवरकास्ट डे है, काफ़ी फॉगी मॉर्निंग एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लेक है उसके पास हम वॉक कर रहे हैं। तो दोनों कंपेयर करके आपको स्क्रीन पे डाल देता हूँ मैं, आप देख सकते हो दैट
विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑन एंड विदाउट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। इसका जो ब्लर इफेक्ट है, जो आर्टिफिशियल हो रहा है यहाँ पे ब्लर, बट दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी नाइस। आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन दिस ब्लर एंड द बैकग्राउंड ब्लर, जो पीछे है, जो काफ़ी ऊपर है ट्री और ये काफ़ी पास में है, तो दिस बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इमीडिएटली ये ब्लर आता है मेरे चेहरे के सामने। सो व्हाट एक्चुअली सॉफ्टवेयर इज़ डूइंग, जो भी फेस है उसके पीछे हर चीज़ को ब्लर कर रहा है, बट डिफरेंस है यहाँ के ब्लर में और पीछे के ब्लर में, सो विच इज़ गुड। यहाँ पे थोड़ा सा कम ब्लर है और बैकग्राउंड जो है पीछे ट्री दैट इज़ वो ज़्यादा ब्लर है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है यहाँ पे ब्लरिंग द सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड, नॉट दैट बैड। बट ये डिफरेंस आएगा, आप देखो, अगर आप इमीडिएटली आपके चेहरे पे लाओगे और पीछे जाओगे चेहरे के बाहर, तो ये हो जाता है। अगर आप DSLR के लेंसेज यूज़ करोगे, वहाँ पे F2.4 aperture यूज़ करोगे, तो इवन दिस विल नॉट बी ब्लर, बिकॉज ये बिल्कुल पैरेलल है हमारे फेस के, बट यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लर हो जाता है। थोड़ा सा आर्टिफिशियल हमें दिखता है व्हेन वी डू सच रिकॉर्डिंग, सो इस बात का आप ध्यान रखना। तो लो लाइट सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड करके चेक करते हैं कैसा है परफॉर्मेंस। फोकसिंग सिस्टम इज़ वर्किंग, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे ऑटो एक्सपोजर वगैरह है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ब्राइट करना है तो दैट वी कैन डू एंड लॉक द एक्सपोजर। तो क्वालिटी कैसा आ रहा है इस कैमरा से, फ्रंट कैमरा से सेल्फी मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मैंने ऑफ कर दिया है सो दैट वी कैन सी। ऐसे किसी लोकेशन पे हो, अब इवनिंग वगैरह में अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है योर पार्टिंग और फैमिली फंक्शन में, तो लाइट सिचुएशन काफ़ी लो होता है। अभी मैं कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी नहीं अटैच करा है मैंने, जो फ़ोन का माइक्रोफोन है उससे ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो भी आप डिफरेंस देख सकते हो। मैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी अटैच करके अभी आपको रिकॉर्ड सुनाऊंगा वॉइस का, तो दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द फ़ोन जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो लेट मी नो, थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करते हैं लिटिल बिट और वी कैन सी हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। सो अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है मैंने, थोड़ा सा क्रॉप हुआ है बट मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक है सो दैट इज़ नॉट एन इशू। सेम स्पॉट पे लो लाइट में टेस्ट करके देखते हैं इसका परफॉर्मेंस विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन वॉकिंग में कैसा आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपका क्या थॉट है, क्या फीडबैक है, लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो राइट नाउ रिकॉर्डिंग इन 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं मेन कैमरा से एंड वी कैन सी कि कितना परफॉर्मेंस कैसा है, स्टेबलाइजेशन कैसा है इसका इन द डार्क एरिया। स्पेसिफिकली यहाँ पे काफ़ी डार्क है एंड थोड़ी थोड़ी लाइट्स आ रही है साइड से एंड वी नीड टू सी कि कैसा परफॉर्मेंस इसका 4K। अभी शूट कर रहा हूँ 4K वाइड एंगल से, अल्ट्रा वाइड एंगल जो मेन कैमरा है, बोथ द कैमरा इज 15। तो यहाँ पे जो मैं फर्क देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, सो वी विल टेस्ट इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। बट सेम स्पॉट पे जब मैं इसको अल्ट्रा वाइड एंगल से शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी डार्क हो गया है और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो इससे काफ़ी ब्राइट है। तो जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ काफ़ी डार्क है, बट सेम सिचुएशन अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p पे, फुल HD है उसमें। अगेन आई कैन सी दैट फुल HD में जो सिचुएशन है फ्रॉम द मेन कैमरा जो हमें दिख रहा है, दैट इज़ लिटिल ब्राइटर देन द एक्चुअल सीन, और जो वार्म टोन्स वगैरह स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जो एक्चुअल सीन है वो थोड़ा वार्म साइड पर है और यहाँ पे जो वार्मनेस है थोड़ा कम हो गया है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p पे, सेम लोकेशन पे, सेम सिचुएशन पे, कैमरा ने इसको द एक्चुअल सीन जो है उससे काफ़ी इसको डार्क कर दिया है, दैट इज़ द डिफरेंस। और थोड़ा जो टोन है, जो कलर है, बट कलर आई कैन सी इट इज़ रियली क्लोज टू द एक्चुअल वार्मनेस, जो वार्म कलर है वो इसमें ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू द मेन कैमरा। सो 1080p
इमेज स्टेबलाइजेशन चेक कर रहे हैं, रोड काफ़ी ख़राब है। सो ये रहा इसका टेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना सो दैट इट कैन रीच टू अदर्स ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, सी यू सून।